Hello, my dear students, and today we are going to discuss about sharing and caring. It's for UP Board, students. This is for class 6th from their rainbow book. And in this video, you will get complete explanation. Sharing and caring, okay? So in this chapter, we will get to know how do we share and care, right? There were two friends in a forest, okay? Ek jungle mein. दो मित्र थे, दो दोस्त थे, अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री, है ना? एक आम का पेड़ और दूसरा बैनियन यानी बरगद का. दे टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग. दे टॉक टू ईच अदर मीन्स वे एक दूसरे से बात करते थे एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग और पूरे दिन मजे करते थे. एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम. हर रात लायंस और टाइगर्स जो हैं वो उनके नीचे सोया करते थे, ठीक है? द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स. द मैंगो ट्री मीन्स जो आम का पेड़ था यूज टू हेट एनिमल्स, वो एनिमल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. आई ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली, ठीक है? आई ड्राइव देम अवे, आई मीन्स हियर मैंगो इज सेइंग I'll drive them away. Drive away का मतलब होता है भगा देना, ठीक है? ये फ्रेज है एक तरह का. I will drive them away means मैं उन्हें भगा दूंगा. They roar loudly. उसने मतलब उसने कहा कि मैं अब इन दोनों को भगा दूंगा, ठीक है? लायंस को भी और टाइगर्स को भी, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत तेज दहाड़ते हैं और मैं इन दोनों को भगा दूंगा, ऐसा मैंगो ट्री ने कहा. एंड स्मेल बैड, और इनकी स्मेल भी है ना वो बहुत ख़राब है, इनकी खुशबू भी अच्छी नहीं है. द बैनियन ट्री सेड, बैनियन ट्री ने कहा, डोंट बी सो रूड, इतने निर्दयी मत बनो, है ना? डोंट बी सो हार्श, इतने हार्श भी मत बनो, इतने कठोर मत बनो. वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम एनिमल्स को, हम जानवरों को और पेड़ पौधों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. We must live in harmony. हमें एक बैलेंस में रहना चाहिए, हमें साथ साथ रहना चाहिए. And help each other. और एक दूसरे की help करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. The mango tree was rigid. जो mango tree था वो rigid था. Rigid means hard या firm, है ना? उससे वो एकदम दृढ़ था कि मैं भगा के ही दम लूंगा, मैं इनको यहाँ पर रहने नहीं दूंगा. He was not ready to listen to him. Means जो मैंगो ट्री था वो बैनियन ट्री की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था. That night, उस रात, when the animals were sleeping, जब सारे जानवर सो रहे थे, under the tree, पेड़ के नीचे, the mango tree shook its branches. मैंगो ट्री ने क्या किया? अपने ब्रांचेस को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया. एंड मेड लाउड noises, और बहुत जोर का मतलब उसने शोर मचाई. द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन, ठीक है? मैंगो ट्री ने क्या किया, जब लायंस और टाइगर्स इसके शेड में सो रहे थे, तो इसने बहुत जोर जोर से अपने ब्रांचेस को हिलाना शुरू किया. और जब ये ब्रांचेस हिला रहा था तो बहुत ही लाउड नॉइज क्रिएट हो रही थी. तो जो एनिमल्स थे जो इसके नीचे सो रहे थे, थॉट इट वॉज अ डेमन, उनको लगा कि ये तो कोई राक्षस है, कोई मॉन्स्टर है. एंड रैन अवे, और वहाँ इट वॉज अ डिमॉन मीन्स उनको लगा कि कोई राक्षस है. एंड रैन अवे, और वो वहाँ से भाग खड़े हुए. द मैंगो ट्री लाफ्ड, मैंगो ट्री जोर जोर से हंसने लगा. एंड फेल्ट हैप्पी, और उसे बहुत खुशी मिली. द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह क्या हुआ कि दो वुड कटर्स मीन्स लकड़हारे जो हैं वो जंगल में आए. दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में क्या थी, कुल्हाड़ियाँ थी. दे सॉ द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने एक बड़ा आम का पेड़ देखा. एंड बिकम वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हो गए. One of the woodcutters said, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा, Friend, look what a big tree, देखो कितना बड़ा पेड़ है. It is. The other said, Yes, there is no one here. दूसरे लकड़हारे ने कहा, हाँ भाई ये तो बहुत ही बड़ा पेड़ है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर तो कोई है भी नहीं. Neither man nor wild animals, ना तो यहाँ पर कोई आदमी रहता है और ना ही कोई जंगली जानवर रहता है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है. So let's cut the tree down, चलो पेड़ को काट के गिरा देते हैं. They began to cut the tree, और उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया.
द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन. जो मैंगो ट्री था क्राइड आउट मीन्स चिल्लाया, इन पेन मीन्स दर्द में, दर्द से चिल्लाया वो. सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की स्थिति को देखकर द बैनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प. बैनियन ट्री जोर से चिल्लाया हेल्प हेल्प हेल्प. हिज वॉइस वॉज हर्ड बाई वाइल्ड एनिमल्स. जो जंगली जानवर थे उन्होंने बैनियन ट्री की आवाज़ सुनी, है ना. दे रश्ड, वो दौड़कर आए टूवर्ड्स द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के पास. व्हेन द वुड कटर्स सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, जब लकड़हारों ने जंगली जानवर को देखा, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड. वो उतनी तेज दौड़े जितनी तेज वो दौड़ सकते थे. लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ा और इतनी तेज से दौड़े जितनी तेज वो दौड़ सकते थे. Tear rolls down from the eyes of the mango tree. और उनकी आंखों से क्या हुआ, आंसू बहने लगे. He said, you were right my dear friend. उसने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो मेरे प्यारे दोस्त. We need each other to be happy. हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है. And safe, और सुरक्षित रहना. The wild animals moved near the mango tree. जो जंगली जानवर थे वो mango tree के पास move करके आ गए. And said, और कहा, it's only through caring and sharing friendship is born. केवल एक दूसरे का ध्यान रख के, एक दूसरे की देखभाल करके ही friendship का जन्म होता है. I told you, मैंने तुम्हें बताया था, we need animals and they need us. हमें जानवरों की ज़रूरत होती है और जानवरों को हमारी. If we don't help each other, अगर हम एक दूसरे की help नहीं करेंगे, we may fall in trouble, है ना, हम कष्ट में पड़ जाएंगे. Said the banyan tree. Banyan tree ने कहा. Hope you have liked the story, children. So now I'm moving to the next part. Drive away, it's a phrase, इसका मतलब होता है भगाना. Rude का मतलब होता है अपशिष्ट, जैसे मैंने आपको कहा हार्श होना, ठीक है, बहुत कठोर होना. नाउ हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है तालमेल बिठाना, है ना, संतुलन बनाना. नाउ डिमोन, डिमोन का मतलब होता है राक्षस. रोल डाउन, रोल डाउन मीन्स लुढ़काना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. What did the mango tree and the banyan tree do all day long? The mango tree and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. Now next question is, why did the mango tree want to drive the animals away? So answer is, the mango tree wanted to drive away the animals because he hated them. It's them, bachcho, isko correction kar lijiye, yahan pe e hoga. He said that the animals roared loudly and smelled bad. Now, moving to the third question, what advice did the banyan tree give to the mango tree? So the answer is, the banyan tree advised that the mango tree should be that rude because tree, right, should not be here, not ka use karenge, should not, yahan pe, not, okay? Should not be that rude because trees and animal must live in harmony and help each other. Now question number 4, what happened when the banyan tree cried loudly? So the answer is, when the banyan tree cried loudly, her voice was heard by the wild animals and they rushed towards it. Question number 5, what lesson do you learn from this story? So this story teaches us that we must not dislike others because we may need anyone in times of trouble. All the species of living beings are interdependent on each other and must live in harmony. Okay, now next question is, mark tick for the correct and cross for the incorrect statement. The banyan tree wanted to drive the animals away. This is wrong. That there was a demon in the mango tree. This is also wrong. Okay. Two farmers came to the forest. This is also wrong. Trees and animals need each other. Yes, है ना, पेड़ और पेड़ पौधों को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. अब वर्ड पार की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसका जो मतलब जो ये हेल्प बॉक्स है ये यहाँ पर है और इसके जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट स्लाइड पर है. सो आई एम मूविंग देयर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम ट्रबल. ऐसे सिचुएशन जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रबल. ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. उसको हम क्या कहते हैं, ट्रबल कहते हैं. सो हियर सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर. इसको हम लोग हार्मनी कहते हैं. एच ए आर एम ओ एन वाई, हार्मनी.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग डन इन अ हरी, जो आप लोग बहुत जल्दबाजी में करते हैं, दैट इज नोन एज रश्ड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोइंग काइंडनेस टू अदर, जब आप दूसरे की तरफ बहुत काइंडनेस होते हैं उसे हम केयरिंग कहते हैं, है ना, जब आप किसी की बहुत केयर करते हो। नाउ डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू आर मोर पीपल, तो हम उसको शेयर करते हैं ना, जब हमारे पास एक ही एप्पल होता है और उसे हम अपने फ्रेंड में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो चिल्ड्रन, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एवरीवन।